हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम देखेंगे अगस्त 2023 का सी पेपर वन का मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे मैंने ऑलरेडी पेपर टू का सॉल्यूशन बना दिया है अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए तो शुरू करते हैं ये ए सीरीज़ का पेपर है ओके फर्स्ट पेपर का तो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेचर ऑफ मैथेमेटिक्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए इट हेल्प द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव ओके okay, पॉसिबल है ऑप्शन बी इट हेल्प्स इन नर्चरिंग द चाइल्ड्स इमेजिनेशन तो ये भी सही है ऑप्शन सी इट्स बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग ओके ये भी सही है ऑप्शन डी इट्स ऑलवेज कन्वर्जेंट तो क्रिएटिविटी में जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे डाइवर्जेंट ऑप्शन होना चाहिए था इसलिए ये गलत होगा तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ए बी एन सी सही आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू डेवलप अप्रिसिएशन फ़ॉर मैथमेटिक्स अमंग चिल्ड्रन अ टीचर परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन द क्लास चूज द वन विच इज़ नॉट इफेक्टिव टू अचीव हर ऑब्जेक्टिव नॉट इफेक्टिव वो फाइन करना है तो उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे ऑप्शन फर्स्ट शी ऑलवेज प्रेज इस द स्टूडेंट हु अचीव हाइएस्ट मार्क्स इन द क्लास इन टर्म एंड एग्जामिनेशन तो उसे वो आ, प्रेज यानी कि प्रशंसा करती है उसकी तारीफ करती है जिसके हाइएस्ट मार्क्स आते हैं तो ये नहीं करना होता है तो आई थिंक यही हमारा आंसर है पर आगे के ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन टू शी शोज द टू चिल्ड्रन वीडियोज ऑन इंडियन मैथेमेटिशियन एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन तो ये इफेक्टिव है ऑप्शन थ्री शी गिव्स अ मैथेमेटिकल पजल एंड अ मैजिक स्क्वेर टू सॉल्व इन द क्लास तो ये भी इफेक्टिव है आगे देखते हैं शी एस्टैब्लिश अ मैथेमेटिक कॉर्नर इन हर क्लास वेर स्टूडेंट कैन परफॉर्म वेरियस मैथेमेटिकल एक्टिविटीज तो ये भी सही है तो हमारा आंसर था ऑप्शन फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन थर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फर्स्ट एरर्स ऑफ द स्टूडेंट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट देर थॉट प्रोसेस ओके हमें नॉट करेक्ट पूछा है ओके okay, यहाँ भी नॉट है ओके okay, तो ये तो देते हैं यहाँ पे एरर होता है तभी स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस पता चलता है तो ऑप्शन फर्स्ट सही है ऑप्शन टू एरर इन मैथेमेटिक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग दैट्स ऑल्सो ट्रू ऑप्शन थ्री एरर्स इन अ मैथेमेटिक्स हेल्प टीचर इन प्लानिंग देयर लेसन तो ये भी सही है ऑप्शन फोर्थ एरर ऑफ द स्टूडेंट शुड बी ओवर लुक एज अ पॉइंटिंग एर विल बी डीमोटिवेट दैम ओके तो ये नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे नॉट पूछा था तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ नॉट करेक्ट अबाउट द असेसमेंट तो देखो यहाँ पे चारों ऑप्शन में दो टाइप के असेसमेंट दिए एक नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट एंड एक क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट तो देखो क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट क्या होता है कि मान लो कि हमें स्कूल में बच्चों में एटी में से ट्वेंटी सिक्स मार्क्स पास के लिए लाने होते तो उसे क्राइटेरिया कहते हैं कि उसमें जो भी ट्वेंटी सिक्स मार्क्स लाएगा वो पास हो जाएगा जिस सी में नाइन्टी होते उसी तरह से नॉम रेफरेंस में क्या होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम जॉब के लिए देते हैं उसी तरह से आप समझ सकते हो कि एग्ज़ाम देने के बाद कोई क्राइटेरिया नहीं रहता उसके ऊपर से कट ऑफ जाएगा ओके मेरिट बनेगा उसे हम नॉ नॉम रेफरेंस असेसमेंट कहते हैं तो यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट अबाउट द असेसमेंट तो चलो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट नॉम रेफरेंस असेसमेंट इज़ ए यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग ओके नॉम रेफरेंस के बाद तो उसका डायग्नोस्टिक या रेमेडियल टीचिंग होता ही नहीं है इसलिए आई थिंक यही सही आंसर है और दूसरे ऑप्शन देखते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट इज़ टू एवेलुएट द मास्टरी ऑफ लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स ओके हाँ ये किया जाता है ऑप्शन थ्री क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट इज़ ए यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग तो क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट है वो डायग्नोस्टिक टेस्टिक्स में हेल्पफुल होता है या तो रेमिडियल टीचिंग में ऑप्शन फोर्थ नॉम रेफरेंस असेसमेंट टेल्स अस वेयर द स्टूडेंट स्टैंड एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट इन हीज और हर परफॉर्मेंस ओके तो ये जो मेरिट वाली बात की थी अभी कट ऑफ वाली नॉम रेफरेंस असेसमेंट से वो पता चलता है कि वह बच्चा अदर स्टूडेंट के कंपेरिजन में वो कहां तक होता है कंपेयर होता है तो ये तीनों ही सही है टू थ्री एंड फोर ये वाला गलत है ऑप्शन फर्स्ट जो है वो गलत है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट क्योंकि नॉट करेक्ट कहा था इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल उसके बाद यहाँ पे ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हैं हमें चारों के चारों चेक करना है ओके हेल्प टीचर इन डेमोन्स्ट्रेटिंग द फॉर्मूले ओके तो ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है हमें कोई भी ऑपर दो सेंटेंस में हमारा आंसर है बी ए सी और डी या ए और बी या बी ए डी या बी ए सी तो हम आगे देखते हैं हेल्प द स्टूडेंट इन सेल्फ लर्निंग तो ये सही है तो ऑप्शन बी वाले जो ऑप्शन है यहाँ पे ये यह सही हो जाएंगे ठीक है आगे देखते हैं ऑप्शन सी हेल्प टीचर इन प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है ऑप्शन डी डेवलप लर्निंग एनवायरमेंट इन द क्लास तो ये सही है तो बी और डी सही है यहाँ पे तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थर्टी सिक्स अकॉर्डिंग टू एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी ओलम्पियाड एंड कॉम्पिटिटर्स इन वेरियस सब्जेक्ट विल बी ब्लैंक अक्रॉस द कंट्री तो ओलंपियाड्स और कॉम्पिटिशन जो वेरियस सब्जेक्ट है वो स्ट्रेंथन किए जाएंगे ऑप्शन टू हमारा सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्टी सेवन कॉन्सेप्ट लाइक लेस लॉन्ग शॉर्ट फार नियर बिग स्मॉल एट्सेट्रा आर तो ये मैथमेटिकल मैथमेटिक्स uh, का पेपर वन है तो इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखते हैं वेद टर्म्स ऑफ कंपेरिजन आगे देखते हैं एंटोनिम्स नॉट नेसेसरी फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स ऑप्शन थ्री सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज एग्जेक्टिव ऑप्शन फोर इंपॉर्टेंट प्री नंबर कॉन्सेप्ट तो ये सही ऑप्शन बैठता है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन नंबर थर्टी एट अकॉर्डिंग टू द एन सी ए टू थाउजेंड फाइव क्लास रिसर्चर्स हैव इंडिकेट अ फेयरली सिस्टमेटिकल डीवैल्युएशन ओके ऑफ अ गर्ल्स एज इनकेपेबल ऑफ मास्टरिंग मैथमेटिक्स इवन वैन दे परफॉर्म वेल इन मैथमेटिक्स वॉट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस देखिए बहुत पुराने टाइम की बात है कि पहले इस तरह से जज किया जाता था हम ऑप्शन देखते हैं समझते हैं कि कौन सा गर्ल्स के लिए डीवैल्युएशन था यहाँ पे तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं पुअर परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल इन मैथेमेटिक्स इज ड्यू टू फ़ियर ऑफ मैथेमेटिक्स प्रिवलेंट इन दैम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं मैथेमेटिक्स बाई इट्स नेचर इज अ मेल डोमिनेंट सब्जेक्ट ओके आगे देखते हैं ऑप्शन थ्री जेंडर कंस्ट्रक्ट ऑफ अ सोसाइटी हैव लेट दैट बिलीव बॉयज़ यूज़ मोर इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड दस हैव बेटर कॉन्सेपच्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो ये सही है जेंडर बायस पहले होता था उसके हिसाब से कि बॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादा इनोवेटिव स्ट्रेटेजी वाले होते ये गलत था यहाँ पे ओके okay, उस तरह से यहाँ पे डी वैल्युएशन ही कहा है इसलिए तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा ऑप्शन थ्री फोर्थ देख लेते द मैथमेटिकल एबिलिटी इन बॉयज आर इनेट इनेट का मतलब होता है जब से बॉर्न हुए तब से तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थर्टी नाइन क्लासरूम रिसर्चर्स हैव शोन दैट द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फाइंड मैथमेटिक्स मोर डिफिकल्ट देन अदर सब्जेक्ट द स्टडी इन द सेम क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द फियर ऑफ नेचर अस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मैथेमेटिक्स एड्स टू दिस फियर ओके अदर सब्जेक्ट से वो ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है मैथ्स तो उसके लिए यहाँ पे कौन सा अप्रोप ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट द वास्ट नॉलेज बेस ऑफ मैथेमेटिक्स ऑप्शन टू द स्कोप ऑफ मल्टीपल आंसर टू अ गिवन क्वेश्चन इन मैथेमेटिक्स ऑप्शन थ्री द स्कोप ऑफ अ नंबर ऑफ अ डिफरेंट मैथड टू सॉल्व प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स एंड फोर्थ द एब्सट्रैक्ट नेचर ऑफ प्राइमरी कॉन्सेप्ट इन द मैथमेटिक्स तो ये हमारा सही आंसर होगा कि सबसे ज्यादा फ़ियर इसकी वजह से होता है क्योंकि मैथमेटिक्स में एब्सट्रैक्ट नेचर के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन फोर्टी हू अमोंग द फॉलोइंगज वर्क इन द फील्ड ऑफ मैथेमेटिकल एस्ट्रोनोमी तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट आर्यभट्ट क्वेश्चन फोर्टी वन अ वेजिटेबल सेलर व सेलिंग स्पिनैट फॉर सिक्सटी पर के जी सोनू परचेज थ्री फिफ्टी ग्राम ऑफ फिनाद फॉर विच वेजिटेबल सेलर टू ट्वेंटी वन रुपीज़ सिक्स 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 एंड थ्री उसने डिवीजन करके लिए एट ट्वेंटी वन को डिवाइड करके लिए फ्राम सोनू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर टू रिगार्डिंग द मैथेमेटिकल स्किल यूज बाय द वेजिटेबल सेलर तो वेजिटेबल सेलर ने कौन सी स्किल का यूज़ किया वो यहाँ पर पूछा है ऑप्शन फर्स्ट द मैथेमेटिकल स्किल इज एम्बिग्यूस यानि कि कोई स्किल को महत्वाकांक्षी जैसा बताया गया तो ऐसा तो नहीं है और ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन बी दिस स्किल इज नॉट यूजफुल टू सॉल्व मैथेमेटिकल प्रॉब्लम इन अ क्लास ओके नॉट यूजफुल तो ये भी गलत है ओके ऑप्शन सी सच अ स्किल हेल्प इन डेवलपिंग अल्टरनेट स्ट्रेटेजी फॉर सॉल्विंग मैथेमेटिकल प्रॉब्लम तो ये सही है आई थिंक ऑप्शन सी होगा यानी ऑप्शन हमारा होगा फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेपिक्स अचुएशन वेर द चिल्ड्रन आर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज ऑन देयर ओन ओके तो अपने आप से किस तरह से वो बच्चे सीख सकते हैं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नॉलेज को वो हमें ढूंढना है ऑप्शन फर्स्ट द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास रीड्स अलाउड द मल्टीप्लीकेशन टेबल एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिपीट रिपीटिंग आफ्टर हिम और हर ओके तो कोई बच्चा है लड़का या लड़की वो जोर जोर से पहाड़े बोलेगा उस तरह से तो वो तो टीचर सेंटर मेथड हो गया वो खड़ा करेगा और उस तरह से बुलवाएगा ऑप्शन टू देखते हैं चिल्ड्रन आर रीसाइटिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल इन कोरस ओके रिसाइटिंग यानी कि रट्टा लगवाना तो वो भी पॉसिबल नहीं है ऑप्शन थ्री चिल्ड्रन आर गिवन मैनिपुलेटिव लाइक नंबर ग्रीड्स टोकन अरेंज इन रेक्टेंगुलर अरेज दे आर एक्सप्लोरिंग द मल्टीप्लीकेशन पैटर्न आर यूजिंग दैम तो ये सही होगा अपने आप से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में ओके ग्रीड्स यानी कि वो जो मैथमेटिकल लैब में जो टॉय के फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ होता है उससे बच्चे सीखते हैं ऑप्शन फोर्थ भी देख ले टीचर हैज़ अ रिटन इनकम्प्लीट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑन अ ब्लैक बोर्ड तो ये भी टीचर सेंट्रिक हो जाता है तो यहाँ पे तो बच्चों को खुद से सीखना था ओके तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू हेल्प अ प्राइमरी स्कूल लर्नर विजुअलाइज द इक्विवेलेंस बिटवीन द फ्रैक्शन टू थर्ड एंड फोर सिक्स ओके तो ये फोर सिक्स का सिंपलेस्ट फॉर्म है टू थर्ड तो उसे किस तरह से सिखाया जाना चाहिए फर्स्ट यूजिंग डिविजन मैथड सेकेंड यूजिंग एलसीयम लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑप्शन थ्री यूजिंग फ्रैक्शन डिस्क और फोर्थ यूजिंग कैलकुलेटर तो हम प्राइमरी में जिस तरह से पहले पहले सिखाते हैं जो वन टू फाइव में वो फ्रैक्शन डिस्क लगा के सिखाते हैं तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फोर्टी फोर अ टीचर यूज रोल प्ले मैथड इन अ मैथेमेटिकल क्लास हर एम इज तो यहाँ पे कीपिंग चिल्ड्रन बिजी सेकेंड ऑप्शन प्रोजेक्टिंग आइडियाज़ ऑप्शन थर्ड एंटरटेनिंग चिल्ड्रन ऑप्शन फोर्थ मेंटेनिंग डिसिप्लिन तो यहाँ पे आंसर होगा प्रोजेक्टिंग आइडियाज़ करने के लिए यहाँ पे उनका एम होता है ऑप्शन फोर्टी फाइव सॉरी क्वेश्चन फोर्टी फाइव सबिटाइजिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नंबर सेंस विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्किल ऑफ सबिटाइजिंग देखो सबिटाइजिंग क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं कि इस तरह का कोई मेथड उस तरह से हमें सिखाना कि बच्चे को बिना काउंट किए पता चल जाए कि वहाँ पे कुछ दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये फिगर देखो ओके okay, यहाँ पे ये यह फिंगर्स का दिया हुआ है ये काउंटर्स का दिया हुआ है कि बच्चे को बिना काउंट किए पता चल जाए कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है तो यहाँ पे अगर बच्चे को तीन काउंट करना नहीं आता तो भी उसे पता चलेगा कि ये जो तीन उंगलियाँ है ये दो से तो ज़्यादा ही है ओके okay, उसे सबिटाइजिंग कहा जाता है यहाँ डोमिनोज में और डॉट प्लेस में दिखाया गया एग्जाम्पल के लिए ये मैंने सारे दिए हुए अब ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट रिकोगनाइज द नंबर सिक्स एज अ वन एडेड टू वन फाइव ऑप्शन टू देखते हैं स्टूडेंट रोल्स अ डाई इज एबल टू से इट्स विदाउट एक्चुअली काउंटिंग द डॉट्स ऑप्शन थ्री स्टूडेंट रेकोगनाइज द नंबर फोर एज द नंबर विथ वन टेकन अवे फ्रॉम फाइव एंड ऑप्शन फोर्थ स्टूडेंट रेकोगनाइज द नंबर फाइव एज द सक्सेसर ऑफ नंबर तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन टू स्टूडेंट रोल अ डाई इज एबल टू से विदाउट एक्चुअली काउंटिंग द डॉट ओके उसे कहा जाता है सबिटाइजिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन फोर्टी सिक्स प्रियादर्शिनी मिक्स द फोर पॉइंट एट के जी ऑफ आलमंड्स टू फाइव जीरो जीरो ग्राम ऑफ रेजींस एंड थ्री पॉइंट फाइव के जी ऑफ कैश एंड द पैकेज मिक्सड इक्वली इंटू थ्री डजन पैकेट वॉट इज द वेट ऑफ ईच पैकेट तो देखो यहाँ पे उन्होंने तीन चीज़ें दी हुई है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि फोर पॉइंट एट के जी को मैंने ग्राम में लिखा फोर एट जीरो जीरो उसके बाद थ्री पॉइंट फाइव के जी को लिखा यहाँ पे थ्री फाइव जीरो जीरो के जी इसको ग्राम से थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया उसके बाद ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ग्राम है सबका एडिशन किया तो कितना है वन ज़ीरो एट जीरो ज़ीरो ग्राम अब उनको क्या कहा गया है कि थ्री डज़न पैकेट्स में उन्हें डिवाइड किया गया थ्री डज़न पैकेट्स का मतलब क्या होता है कि ट्वेल्व एक डजन में ट्वेल्व होते तो आगे ट्वेल्व इंटू थ्री हो जाएगा क्यों क्योंकि थ्री डजन पैकेट्स है एक डजन में ट्वेल्व होते हैं और उतने थ्री तो यहाँ पे उससे डिवाइड कर दिया पूरे वेट को तो आगे अगर हम डिवाइड करेंगे इसे तो ट्वेल्व नाइन ज़ा वन ज़ीरो एट होता है और थ्री आ, थ्री जा सॉरी थ्री थ्री जा नाइन होता है तो यहाँ पे थ्री इन दो जीरो है यहाँ पे तो कितना आंसर आएगा ऑप्शन थ्री थ्री हंड्रेड आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फोर्टी सेवन द साइड ऑफ अ स्क्र इज़ फाइव सेंटीमीटर हाउ मेनी टाइम विल द न्यू एरिया बिकम इफ द साइड ऑफ द स्क्वायेयर इज डबल अब देखो इसके लिए फाइव होना या ना होना यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता मैं ये मान लेता हूँ कि साइड की जो स्क्वेयर है वो एक्सी है अब नया जो स्क्वायर बन रहा है उसकी साइड डबल कर दो तो मैं टू एक्स कर देता हूँ हमें स्क्वायर का फॉर्मूला पता है एरिया का साइड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे टू एक्स का स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल टू एक्स स्क्वायर तो टू का स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायेर तो यहाँ से कितना टाइम हुआ फोर टाइम्स हुआ ओके तो यहाँ पर फाइव दिया था उसका कोई काम नहीं था आप ऐसे भी कर सकते थे तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन फोर्थ फोर टाइम होगा एरिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्टी एट वीच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स है थ्री डायमेंशनल सेप ओके तो यहाँ पे थ्री डायमेंशनल शेप में कौन सा ऑप्शन होगा मैं डायरेक्ट आंसर ही बोल रहा हूँ इसमें सारे नहीं पढ़ रहा हूँ क्यूब क्यूबॉइड स्फीयर एंड सिलेंडर ये सारे के सारे क्या है थ्री डायमेंशनल स्पेस है ओके यहाँ पे देखो ये सेमी सर्कल है वो नहीं है यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे उसी तरह से ट्राइंगल है ये जो है वो थ्री शेप में नहीं होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फोर्टी नाइन संगीता वॉन्ट्स टू बाय सोप दैट कॉस्ट रुपीज़ शी हैज़ अ फाइव रुपीज़ कॉइन उसके पास कितने रुपीज़ कॉइन है वो देखते हैं एक पाँच रुपये का सिक्का है उसके पास एक दो रुपए का सिक्का है और उसके बाद पाँच फिफ्टी पैसे के कॉइन हैं ओके पाँच फिफ्टी पैसे के कोइंस यानी कि फिफ्टी फाइव इंटू फिफ्टी कर लेते हैं तो टू फिफ्टी टू फिफ्टी पैसे हैं उसके पास अभी भी तो ओके okay, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करके लिखता हूँ टू फिफ्टी को रुपीज़ में कन्वर्ट करें हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो टू पॉइंट फाइव लिखेंगे ओके okay, तो अब हमें पूछा है कि उसे और कितने पैसे चाहिए सो so, फाइन uh, करने के लिए uh, उसे बाय करने के लिए सॉरी तो दस रुपये का था तो पाँच और दो सात सात और दो नौ और ये साढ़े नौ तो दस में से साढ़े नौ जाएँगे तो कितने बचेंगे पॉइंट फाइव यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फिफ्टी सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर देखो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपको अगर पॉइंट अच्छे से आते हैं ठीक है वन बाई फोर्थ को जैसे जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव लिखते हैं वन बाय थ्री को अप्रॉक्सीमेट जीरो पॉइंट थ्री थ्री लिखते हैं और वन बाय टू को जीरो पॉइंट फाइव लिखते हैं ओके okay, तो तो आपका काम आसान है असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा कहाँ होगा आगे होगा ठीक है तो ज़ीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव जो है उसे आगे ले लो तो वन बाय फोर्थ कहाँ पर यहाँ पर है ओके वन बाय थ्री जीरो पॉइंट थ्री और जीरो पॉइंट फाइव ओके इस तरह से हो जाएगा तो ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा अगर मान लो आपको ये पॉइंट नहीं आते तो आप एक काम करो एलसीएम ले लो सबका फोर्थ थ्री और टू का नीचे ओके okay, तो कितना होगा ट्वेल्व होगा तो फोर इंटू थ्री इंटू थ्री थ्री बाई ट्वेल्व उसके बाद वन बाय थ्री उसको नीचे फोर से मल्टीप्लाई करता हो तो फोर बाय ट्वेल्व एंड वन बाय टू उसको सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एल तो सिक्स बाय ट्वेल्व तो देखो थ्री फोर और सिक्स तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा आंसर रहता है तो आप एल सी एम से भी कर सकते हो और पॉइंट से भी कर सकते हो पॉइंट से बेटर रहता है फटाफट हो जाएगा ओके ऑप्शन फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्टी वन वॉट इज द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न वन के बाद सिक्स है सिक्स के बाद फिफ्टीन है और फिर मिसिंग है तो हम यहाँ पे करते जाते हैं कि वन और सिक्स के बीच में कितना डिफरेंस है फाइव का सिक्स और फाइव के बीच में नौ का उसके बाद हमें नहीं पता है उसके बाद भी हमें नहीं पता है इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता है फिर आगे देखते फोर्टी uh, फाइव और सिक्सटी सिक्स का आई थिंक ट्वेंटी वन होगा ओके okay? और नाइन्टी वन से लेके सिक्सटी सिक्स एलेवन में से सिक्स जाएंगे फाइव एट में से ट्वेंटी फाइव तो देखो पाँच और चार नौ नौ और चार तेरह होना चाहिए था यहाँ पे और तेरह और चार सत्रह सत्रह और चार इक्कीस और इक्कीस और चार पच्चीस तो यहाँ पे पाँच है यहाँ पे नौ है तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस होना चाहिए था तेरह का होना चाहिए था तो पंद्रह और तेरह कितना हो जाएंगे ट्वेंटी एट विच इज़ आवर आंसर तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फिफ्टी टू रीड द फॉलोइंग टेबल वॉट इज द रेशियो ऑफ द मोस्ट कॉमन ब्लड यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा है तो ट्वेल्व है एंड रेरेस्ट ब्लड ग्रुप यानी सबसे कम कौन सा है ओके okay, तीन है तो थ्री फोर ज ट्वेल्व फोर इज टू वन आंसर होगा जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑप्शन फर्स्ट अ काइट बिकम रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल सेकेंड ऑप्शन रेक्टेंगल बिकम स्क्वेयर इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल ओके ऑप्शन थ्री अ रोम्बस बिकम स्क्वेयर इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑप्शन फोर्थ अ पैरालोग्राम बिकम रेक्टेंगल इफ ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा फर्स्ट काइट बिकम्स रेक्टेंगल इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल सिर्फ एंगल से काम नहीं चलेगा उसमें एडजस्सन साइड जो है वो इक्वल होते हैं ओके रेक्टेंगल होने के लिए अपोजिट साइड इक्वल होते हैं इसलिए यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा था ओके okay, इसके प्रीवियस पेपर में मैंने uh, काइट की प्रॉपर्टीज और वो एक और आया था उसमें समझाया था ओके okay, वो आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन फिफ्टी अमीनी इज़ अरेंजिंग थर्टी सिक्स आइडेंटिकल स्क्वायर्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल्स हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल्स कैन शी मेक विद दिस स्क्र अब देखो थर्टी सिक्स स्क्येर है उसके पास आइडेंटिकल छोटे छोटे तो वो कितने स्क्वायर वहाँ पर बना सकती है तो थर्टी सिक्स के जितने फैक्टर निकलते हैं उतने बना सकती है फॉर एग्जाम्पल थर्टी सिक्स वन जा एक ही बना सकती है फिर सिक्स सिक्स ज़ा ये बना सकती है फोर नाइन ज़ा यानी नाइन फोर ज आ गया वही बना सकती है फिर ट्वेल्व थ्री जा वो भी बना सकती है और एटीन टू जाटी सी वो भी बना सकते हैं यानी कि इसी तरह से यहाँ पे रेक्टेंगल बन सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे कितने हुए एक दो तीन चार और पाँच कितने टाइप हुए पाँच तो यहाँ पे आंसर कितना होगा ऑप्शन थर्ड इससे ज़्यादा फिर फैक्टर नहीं निकलते इसलिए मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन फिफ्टी फाइव रूबीना स्टार्टेड हर जर्नी बाई कार एट सिक्सटीन फिफ्टी आवर्स एंड फिनिश्ड एट ट्वेंटी वन फिफ्टीन आवर्स ऑन द सेम डे द टाइम टेकन टू कम्प्लीट द जर्नी इज़ तो देखो ट्वेंटी वन सिक्सटीन से ले कर ट्वेंटी वन तो सिक्सटीन मतलब चार होता है ओके चार के बाद और ट्वेंटी वन मतलब नाइन होता है ठीक है यहाँ पे तो चार से लेके कर नौ तक यानी कि यहाँ पे ये फोर फिफ्टी uh, है यानी पाँच बजे में सिर्फ दस मिनट बाकी है यहाँ पे और यहाँ पे नौ बज के कितने हो गए पंद्रह हो गए तो पंद्रह मिनट एक्स्ट्रा है और यहाँ पे दस मिनट बाकी है तो ये ट्वेंटी फाइव मिनट्स होंगे तो ट्वेंटी फाइव मिनट्स वाले ऑप्शन देखो ये आ गए ठीक है अब यहां पे ट्वेंटी वन और नाइन यानी कि पांच बजने से लेके नौ बजे तक कितने घंटे होते हैं चार तो यहां पे चार आवर और ट्वेंटी फाइव मिनट यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा ऑप्शन थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्टी सिक्स होल नंबर इज एडेड टू हंड्रेड ओके एक्स मान लेता हूँ वो होल नंबर है उसे हंड्रेड ऐड किया उसके बाद सेम नंबर इज सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम हंड्रेड तो उसके बाद सेम नंबर हंड्रेड में से सब्ट्रैक्ट किया ओके okay, फ्रॉम लिखा है इसलिए हंड्रेड आगे आएगा द सम ऑफ दिस यानी कि बीच में प्लस करने को बोल रहा है आगे हमें कि द सम ऑफ द टू रिजल्टिंग नंबर तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हंड्रेड प्लस हंड्रेड कितना बच जाएगा टू हंड्रेड तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फिफ्टी सेवन वन हंड्रेड लाख इज ऑल्सो नोन एज तो यहाँ पर मैं ऑप्शन भी नहीं देखता हूँ वन करोड़ होता है ओके okay, सीधा आंसर है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वन हंड्रेड लाख इज इक्वल टू वन करोड़ होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फिफ्टी एट विच ऑफ़ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर देखो डिसेंडिंग मतलब उल्टा जो सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे टेन है उसके बाद एक होता है उसके बाद एक 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 और जीरो कम होता तो जा रहा है ठीक है बाकी ऑप्शन भी देखते हैं एक 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 यहाँ पे एक है और दस आ रहा है तो डिसेंडिंग में ये काम नहीं करेगा ठीक है, है पहले ऑप्शन रिजेक्ट करना सीखो दस के बाद एक 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 यहाँ पे एक है फिर ज़ीरो ये पॉसिबल हो सकता है ये पॉसिबल हो सकता है ऑप्शन फोर्थ दस के बाद यहाँ पे एक 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 एक, एक और जीरो ठीक है अब बाकी का ऑप्शन चेक करते हैं ठीक है ठीके? पीछे वाले से मैं चेक करता हूँ कि दस पॉइंट यहाँ पे पाँच है एक पॉइंट पाँच है यानी कि ये फिफ्टी और एक पॉइंट जीरो पाँच है तो ये तो, यह तो यहाँ पर सही है आगे और जाते हैं और ज़ीरो पाँच है उसके बाद ज़ीरो फाइव फाइव है उसके बाद जीरो ज़ीरो फाइव है और उसके बाद वन अचानक से यहाँ पर बढ़ जाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ नहीं आएगा ठीक है ऑप्शन थ्री देखते आगे टेन uh, वो तो सही है पॉइंट फिफ्टी ज़ीरो फाइव ज़ीरो फाइव फाइव ये भी सही है फिर उसके बाद फ़ाइव ज़ीरो ओके यहाँ पे भी देखो ये इंक्रीज में आ गया फाइव जीरो ये तो इससे बढ़ गया ना तो पहले बड़ा नंबर ना ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो गया जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी हम कर लेते हैं यहाँ पर फाइव ज़ीरो ओके टेन पॉइंट फाइव और यहाँ पर वन है ओके okay, तो यहाँ फाइव जीरो सेम है और ज़ीरो फाइव फाइव फिर जीरो फाइव और भी कम होता जा रहा है जीरो जीरो फ़ाइव और उसके बाद यहाँ पे ज़ीरो आ गया था ज़ीरो पॉइंट वन फाइव फाइव ओके तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फिफ्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट अ फैक्टर ऑफ थ्री सिक्स थ्री जीरो ओके तो सबसे पहले हम एडिशन uh, ही चेक कर लेते कि थ्री और सिक्स नाइन और नाइन और थ्री ट्वेल्व तो ट्वेल्व तो थ्री के टेबल में आता है थ्री से होगा नाइन से नहीं होगा तो ओके बाकी के चेक ही क्यों करें ठीक है क्योंकि न्यूज नाइन की डिविजिबिलिटी से पता चल जाता है कि नाइन फैक्टर नहीं है ओके तो बाकी के चेक करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन सिक्सटी देखते हैं द सम ऑफ फाइव माइनस फाइव फाइव माइनस फाइव फाइव माइनस फाइव टू ऑड नंबर ऑफ इट ओके ऑड नंबर यानी कि एक नंबर यहाँ पे ले लेते हैं फाइव ओके यहां पे आंसर क्या आता है फाइव अब ऑड नंबर ये तो एक नंबर के लिए लिया अब तीन नंबर करो एक दो और तीन तो फाइव माइनस फाइव प्लस फाइव तो फाइव माइनस फाइव कैंसिल कितना आंसर आता है फाइव इसका भी कितना आता था फाइव अब पाँच नंबर लो एक दो तीन चार और पाँच तो ये दो कैंसिल ये दो कैंसिल तो अब भी कितना आंसर आ रहा है फाइव उसी तरह से आप सात भी नंबर लोगे ऑड नंबर में तो भी आंसर कितना बचेगा फाइव ही बचेगा तो इसमें आंसर कितना होगा ऑप्शन फोर्थ फाइव होगा ओके okay? तो यहाँ पे हमारा अगस्त का ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का पेपर वन का मैथ्स का पूरा ही सॉल्यूशन ख़त्म होता है नेक्स्ट वीडियो में और भी सीज के पेपर के सॉल्यूशन देखेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए